Logi. अच्छे में आया था कोई मैं गाइड मिल जाएगा। एक बाबर साहब ने चार छः आदमी ने जी उन्होंने मेरी गल हुई है, उन्होंने इनका बड़ा अच्छा इंतजाम रखा था। मौलाना जफर अली खान ट्रस्ट मौलाना जफर अली खान साहब भी अखबार से जिमीदार मशहूर पाकिस्तान बनने तो पहले बाद भी चलती रही है, फिर जो फौत हुए ने तो वह अखबार उन्होंने बेटे अख्तर अली खान चलाते रहे। इन्हों किताबा कुलियात मौलाना जफर अली खान निगारस्तान मारका मजबो साइंस अनमोल मोती बखारिस्तान ख्यालिस्तान उन्होंने सारिया उन्होंने जो लिखिया उन्होंने टाइटल उन्होंने मौलाना उलताफ हुसैन हाली ने इन्होंने मुतलक किया सी सिद्दको वक्त सफा की जिंदा तस्वीर ए शेर दिल जफर अली जिमीदार जाना दे नाल मौलाना गुलाम रसूल महर ते मौलाना अब्दुल मजीद सालिक साहब वो भी नाल रहे ने। बाद चो उन्होंने फिर अपना खोलिया सी अख्तर अली खान साहब फिर आए, फिर उन्होंने बेटे ने लाहौर होंगे ने मसूद अली खान साहब। कुछ अरसा पहले रोज़नामा उम्मत ने फीचर तीन चार किस्तान छापिया सी उन्हों का हर हर ये जगह का नाम है जी करमाबाद, जिस जगह से खड़े हैं ये भी इन्होंने बड़ा मशहूर है जी। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। ए बाबर साहब ने जी बड़ा अच्छा बंदोबस्त रखा था जी। चलो कोई गल नहीं, ठीक है कोई गल नहीं। सामने रिहायश सी जी जफर अली खान साहब भी नज़र आ रही है, यह हूँ किराए पर मैं उस पास कोशिश कराँगा मेन गेट वालों थोड़ा ज़्यादा लवा। यह भी एक यादगार चीज़ लो जी। हूँ मैं अंदर मज़ार से पहले मैं बैक साइड से हाँ लवागा घूम के फिर मैं इधर आऊंगा। ना जब तक कट मरूं मैं आ जाए यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। पाँव में बेड़ी गले में तख्ती और हाथों में दाग, उम्मत मरहूम पे क्या क्या है एहसान फुरंग। ज़िमीदार एक आप इतने मगर औजे सियासत पर, यह एक
तिकल लड़ेगा आपके सारे पतंगों से। सुभान अल्लाह, ये ना बड़े अच्छे शायर साहब। निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, पक्की है मुसलहत है, पक्की है मुसलत दीन से वो रिंद बादा हार। अच्छा इन्हों की रिहाइश गया जी, वही स्टाइल वही पुराना मकान जिहड़ा इन्हां दे वक्त बैक साइड से भी ये जगह जफर अली खान साहब के जड़े भी वरसा ने उन्होंने ट्रस्ट में देती है, मौलाना जफर अली खान ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम या हलल कबूर, कब्रों वालों आप पर सलामती हो। आप लोग हमसे पहले चले आए, जल्द ही हम भी आपसे मिलने वाले हैं। जनाब मौलाना जफर अली खान, इन्होंने तख्ती है जी जफर उल मिल्लत, मौलाना बाबा सहाफत, बाबा सहाफत शायर बेमिसाल, रहनुमाए कौम, रहबर तहरीक पाकिस्तान, मौलाना जफर अली खान फरजंदे अर्जमंद, मौलाना सराजुद्दीन अहमद खान। तारीख पैदाइश 18 जनवरी 1873 1873। तारीख वफात 27 नवंबर 1956। इन्हां दे भाई गुलाम हैदर खान फरजंदे अर्जमंद, मौलाना सराजुद्दीन अहमद खान। 20 फरवरी 1875 ये 2 साल इन्हां दे छोटे सन, और 1970 च फौत होए। साडा असासा ने जी सब मुख्तरमा बरकत बेगम, जोजा मौलाना जफर अली खान, 20 दिसंबर 1866, और तारीफ पपादा जी इनकी 4 मार्च 1948। 20 दिसंबर 1866 की पैदाइश है। ये 48 और 56 8 साल का फर्क है। पहले फौत हुए सन तो जफर अली खान साहब ने इन्होंने मतलब क्या सी, रौनक मेरे गुलजार की थी जिससे दोबाला,
क्या हो गई इस मैं खरामा की रवानी, ये जफर अली खान साहब के बेटे ने जड़े इन्हों तो बाद जमींदार अखबार के एडिटर बने सन मौलाना अख्तर अली खान एडिटर जमींदार परजंदे अर्जमंद बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान। तारीख पदायश 6 दिसंबर 1894, वफात 17 अक्टूबर 1998। 58 ये इन्हों का बड़ा मशहूर शेर जफर अली खान साहब का, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, आज़ाद मंश इंसानों के, या तख्त है जगह आज़ादी की या तख्त मुकाम आज़ादी का, तख्त या तख्ता। इन्हों दे टाइटल जड़ियाँ इन्हों दी किताबां ने इंडियन प्रेस एक्ट, अनामा इकबाल और रोज़नामा जमींदार, कैद फरंग, अनमोल मोती, मौलाना जफर अली खां की खुद नविश्त सरगुजश्त हयात, लिखी है डॉक्टर सादिक हुसैन MBBS, मौलाना जफर अली खां मौल अशरफ अता। निगारस्तान बहारस्तान ये बार भी तुम टाइटल दिखाए ने। रोज़नामा जमींदार जिल्द अव्वल जिल्द दोम जिल्द सौ। अच्छा ये सारे इन्होंने हूँ जिल्दों की शक्ल दे विच भी अच्छी गल है, रिकॉर्ड हो गया ए, ट्रस्ट वाले ने एक टाइट उन्हें जी लिखा था, मुहम्मद सलीम हैदर प्रिंसिपल बहरिया फाउंडेशन कॉलेज ओकाड़ा। शायद इन्होंने किताबों अगर तुम चाहिए हो प्राप्त करो, इन्हों का नंबर लिखा था जी 0334-547-9693। क्योंकि कैमरा शायद सही ना आए इस वास्ते इन्हू रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो, 0334-547-9693। मेरा हाल इन्हों किताबों वास्ते लिखा था उन्होंने, बाहर हाल ही नौजिया तफसील दे नाल साडा बन गया। हुण मैं देखना वा अगर उस पासे कोई रस्ता हैगा, मस्जिद ते थोड़ा जिहा बैक साइड ते आ गई है मकान दी रस्ता मैनूं, तो फिर मैं वो भी बना लैणा। लो जी हुण मैं इहनूं इत्थे क्रॉस करना उहनां दे इस तरह। लो जी इजाज़त दिओ, अपनियां दुआवां च सानूं याद रखो, खुश रहो, अल्लाह हाफ़िज़।